तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैं शेयर कर लेता हूं स्क्रीन। तो आपके सामने देख सकते हो ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के साथ हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या बोला, क्या है कि ए बॉक्स कंटेन 12 बॉल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करते हैं दोस्तों, और आसानी से हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ, रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लिया मैंने मान के चलो, ठीक है। इसके अंदर करा कि 12 बॉल्स है, मान के 12 बॉल्स मैंने इसके अंदर डाल दिए। ये आपके हो गए 12 बॉल्स, ठीक है। 12 बॉल आउट ऑफ विच एक्स आर ब्लैक। तो ब्लैक बॉल मान के चलो, मान लो ब्लैक बॉल क्या है हमारा, एक्स है, ठीक है। इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी ब्लैक बॉल, ठीक है। तो अब देखो टोटल बॉल कितने हैं यहाँ पर, टोटल बॉल कितने हैं आपके, 12, ठीक है। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल की बात करें यानी एक्स की बात करें, तो ये कितना हो जाएगा आपका, एक्स बाई 12, इसको मानते हैं हम 1, ठीक है। अब कह रहा है कि इफ सिक्स मोर ब्लैक बॉल्स आर पुट इन द बॉक्स, ठीक है। तो पहले एक्स था, अब उसमें क्या कर रहा है कि सिक्स और ऐड कर दो। तो मैं दूसरा कलर लेता हूं, तो एक्स प्लस सिक्स हो गया, अब ये आपका ब्लैक बॉल। तो इसमें पहले थे 12, अब इसमें क्या किया मैंने, सिक्स ऐड कर दिया, तो ये कितने हो जाएंगे टोटल, 18 बॉल, ठीक है। तो आपके अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एक्स प्लस सिक्स, इसकी प्रोबेबिलिटी आप निकालो कितना आ जाएगा, एक्स प्लस सिक्स और ये हो जाएगा आपका 18, ठीक है। उसके बाद अब देखो नेक्स्ट, यहां तक तो हो गया हमारा, सिक्स बॉल एक्स आर पुट इन द बॉक्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए बॉल इज नाउ डबल, ब्लैक बॉल इज नाउ डबल व्हाट इट वाज बिफोर। तो पहले क्या था, ठीक है। तो अब इसको हम लाइक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाते हैं, और मैं ग्रीन कर लेता हूं यहां पर, ठीक है। तो अब ये देख सकते हो आपका ये कर रहा है कि 2 टाइम्स, ठीक है, और आपका एक्स जो एक्स वाई आपका 12 है, ठीक है, इज इक्वल टू आपका एक्स प्लस सिक्स और डिवाइडेड बाई 18, ठीक है। तो यहां से ये आपका हो जाएगा 6, ठीक है, और 6 3 18, तो ये हो जाएगा आपका 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स। तो x को इधर ट्रांसफर करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू 6। तो यहां से आपकी x की वैल्यू कितनी आएगी, 3, ठीक है। और इसमें पूछा भी था क्या कि फाइंड x, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। अब ध्यान से देखते रहना, ठीक है। इसमें मैं आपको टेक्स्ट नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ मैं क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब मान लो एक कोई जा रहा है, ठीक है, एक मान लो कोई जार है, ठीक, और इसमें ना टोटल मान के चलो 24 बॉल है, 24 आपके मान के चलो मार्बल्स है, ठीक है। तो इसमें कितने हैं, 24 मार्बल्स है मान के चलो, ठीक है। इसमें से क्या है कि कुछ ग्रीन है और कुछ आपके ब्लू है, ठीक है।
तो कुछ आपके ग्रीन बॉल है इसमें और कुछ आपके ब्लू बॉल है, ठीक है। अब मान लो ये दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल, ये दिया है दोस्तों आपका 2/3, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पर ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल दिया 2/2, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल, तो ब्लू बॉल क्या होगा, ठीक है। अब देखो मान लो ग्रीन बॉल कितने हैं, ग्रीन बॉल मान लो मैंने मान लिया एक्स है, ठीक है। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल कितने हो जाएंगे, जो आपके फेवरेबल आउटकम कितने हैं एक्स, और टोटल कितने बॉल है 24। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल कितना आई है 2/3, सो 2/3 इक्वल टू एक्स बाई 24, सो 3/8, सो एक्स की वैल्यू यहां पर कितनी आई 16। बट ये कौन सा बॉल है, ये आपका ग्रीन बॉल, आपको निकालना क्या है ब्लू बॉल, यानी 24 में से 16 आपके क्या हो गए ग्रीन है, तो ब्लू कितने हो जाएंगे, तो 24 में से 16 को आप माइनस करोगे तो 8 जो बॉल है ना वो आपका हो जाएगा ब्लू बॉल। तो दोस्तों क्वेश्चन कुछ ऐसे आपको लाइक घुमाएगा वर्ड में, बट आपको क्लियर कट रहना है। सबसे पहले आपको उसको, उस क्वेश्चन को आसानी से समझना है, ठीक है। समझने के बाद उसको लाइक ब्रेक डाउन करना है स्टेप बाय स्टेप में, और आप इजिली हैंडल कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के, इस तरह क्वेश्चन आते हैं प्रोबेबिलिटी में, और प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइक डे टू डे लाइफ में हम काफी चीजें यूज करते हैं प्रिडिक्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर हम थर्ड की तरफ बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। और मैं आपको अब क्वेश्चन नंबर थर्ड कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। एक बैग है, ठीक है, मान लो एक बैग है, इसमें ना क्या है कि 5 रेड बॉल्स हैं एंड कुछ ब्लू बॉल्स हैं, मान लो एक्स है, एक्स क्या है आपका ब्लू बॉल्स, ब्लू बॉल्स है, ठीक है। तो अब ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल यानी पी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा x/5, इसको मानते हम इक्वेशन 1, ठीक है। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज डबल, जो ब्लू बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है ड्रॉइंग डबल हो जाती है, ठीक है, तो रेड बॉल, डिटरमाइन द नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग, ठीक है। तो अब जो देखो, अब ये टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर ये आपका x, ये टोटल आप यहाँ सैंपल स्पेस होगा तो ये हो जाएगा x/5+x, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो आपके ये है x/5+x इज इक्वल टू, ये हो रहा है डबल हो रहा है 2x/5+x, ठीक है। तो आपका अब रेड की जो आप इसकी अब निकालोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितना आ जाएगा आपका 5/5+x, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये हो गया आपका 2, ठीक है। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा कैंसल, ठीक है, 5+ ये कैंसल हो गया, तो x की वैल्यू कितना आएगी 10। और जब x की वैल्यू 10, तब बैग में कितने बॉल होंगे, तो 10+5 कितने होंगे 15 बॉल्स, ठीक है। तो इसमें अब ब्लू बॉल्स कितने होंगे, ब्लू आपके हो जाएंगे ये आपके 10, जो कि यही क्वेश्चन में पूछा था कि ब्लू बॉल कितने हैं। देखो क्वेश्चन में ये था कि उसमें 5 रेड बॉल है, कुछ ब्लू बॉल है जिसको मैंने एक्स से रिप्रेजेंट किया, तो
सबसे पहले मैंने ब्लू बॉल्स की इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दी, सैंपल स्पेस निकालते हैं कि इसमें कितनी बॉल है, तो 5 R और ये X, तो ये X बाई टोटल फेवरेबल आउटकम्स बाई टोटल पॉसिबल आउटकम्स, तो X बाई 5 + X हो गया। उसके बाद मैंने रेड की प्रोबेबिलिटी निकाल दी, रेड यहाँ पर कितने हैं, 5, 5 बाई 5 + X। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन में ये बोला था कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए बॉल ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ रेड बॉल, तो डिटरमाइन द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग। ठीक है, तो ब्लू बॉल्स हम ऐसे लाइक इक्वेशन सॉल्व करके ये वाली हम इजिली यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपके 3 क्वेश्चन। ठीक है, रिमेनिंग क्वेश्चन मैं आपको, लाइक वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं आपको धीरे धीरे कराता रहूंगा, आप आराम से पढ़ते रहो, आपका सेशन अभी स्टार्ट हुआ है, हम ज्यादा बर्डन नहीं लेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और क्वेश्चन के साथ आऊंगा। सो थैंक यू सो मच।